सबसे पहले आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है। नुसुक एप्लीकेशन का नाम है, इसको टाइप करना है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर के ऊपर भी सेम इसी नाम पे है। इसका पुराना नाम एतमन्ना था और अब इसको नुसुक के नाम से तब्दील कर दिया गया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। न्यू यूज़र पर जाएंगे। अगर रेजिडेंस या सिटीज़न है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन इस पेज पर डालेंगे, गल्फ वाले इस पे। और अगर एज ए विज़िटर है, यानी आपके पास इकामा नंबर नहीं है, आप अपने वीज़ा और पासपोर्ट के ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं, एज ए विज़िटर लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन पुट कीजिए। अगर कोई स्पेशल असिस्टेंट चाहिए तो आप इसको क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ को एम्प्टी रहने दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके, देन आपको लॉगिन का आएगा। लॉगिन पे आपने जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, एक मेल रिसीव होगी। इसके फ़ौरन बाद आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन में अब आप नीचे देखिए, आपने अकाउंट एज ए मेल बनाया या फीमेल बनाया, तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने मेल पे क्लिक किया और अपना नाम चूज़ करके कंटिन्यू किया। इसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन आ रही है कि किस दिन में अवेलेबल है, कब कम क्राउड होगा, कब ज़रा मॉडरेट क्राउड है और कब ज़रा हैवी क्राउड होगा। तो लेट्स से मुझे जून के अंदर चाहिए क्योंकि आलमोस्ट महीने का एंड है। तो ये देखिए 2 जून 3 जून में अवेलेबल है, बाकी किसी में भी अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स से मैंने 2 जून को जाना है, फ्राइडे को। ये एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि टाइम इसका 24 फॉर्मेट के अंदर है, तो 1:30 या 2:30 का ये मतलब नहीं है कि वो दोपहर के हैं। तो ये लाजमी, ये देखिए 14:30, यानी ये 2:30 से 3 बजे तक का है। इसको टिक कर दें यहाँ पर, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी मेरा ऑलरेडी एक इशू हो चुका हुआ था, तो 45 डेज से पहले मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये इशू कर देगा। इशू करने के बाद परमिट के अंदर आएंगे, एक्टिव परमिट के अंदर आपको शो हो रहा होगा, और जैसे ही वो पास हो जाएगा तो आपको इस टैब के अंदर शो हो जाएगा पास परमिट के अंदर। आपने सिंपली बस अपने एक्टिव परमिट पर क्लिक करना है व्यू डिटेल के ऊपर, और आप ये शो कर देंगे। डेट्स इट।